दोस्तों, क्या आप अतिबला के बारे में जानते हैं? इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, पौधा किस प्रकार का है, कौन कौन से बेनिफिट्स देता है, इसके औषधीय गुण किस प्रकार से हैं, और ये पौधा कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अतिबला क्या है। तो दोस्तों, अतिबला एक प्रकार की जड़ी बूटी है। यह काफ़ी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला जाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोए कोमल सफ़ेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तले गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अतिबला की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको घंटी का कंधिनी या फिर चरमिली कंकतिका, चरमिल अतिबला, अलग अलग नाम से अलग अलग विस्तार में इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको कंगी जंपी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडियन मेलो कहते हैं या फिर कंट्री मेलो कहते हैं, संस्कृत में इसको अतिबला या फिर कंकतिला भी कहा जाता है, उर्दू में इसको कंगी भी कहते हैं, गुजराती में इसको कपाट कहते हैं, कांस्की कहते हैं, डावली भी कहा जाता है। तो अलग अलग विस्तार में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का एक काम कर रहे हैं। आप भी अतिबला का उपयोग कर कोई रोग में लाभ पा सकते हैं। यह तिखी कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी तथा वातपित्त को संतुलित करने वाली होती है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक तथा यौन शक्ति को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि अतिबला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अतिबला की जड़ दर्द नाशक और बुखार उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अतिबला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अतिबला की जड़ का तेल दर्द नाशक होता है। अतिबला के फल, फूल, जड़ और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आंखों के लिए है यह लाभकारी। अतिबला का प्रयोग इस प्रकार से करें, अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर ठंडा कर उनसे आंखों को धोएं, इनसे फायदा होता है। इससे आंखों के अनेक रोग से लाभ होता है। अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करें या फिर देर तक मुंह में रखकर कुल्ला करें, इनसे दांतों का दर्द ठीक होता है। मसूड़ों की सूजन में भी फायदा होता है। खांसी के लिए अगर बात करें तो अतिबला के फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सेवन करें। इनसे सूखी खांसी तथा खून वाली उल्टी में लाभ होता है। अतिबला के बीज तथा वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। बात करते हैं कि जो डाइसेंट्री प्रॉब्लम जो होती है पेट की, अतिसार की, तो उसमें अतिबला के पत्ते की सब्जी को घी के साथ सेवन करने से पेचिस की प्रॉब्लम भी फायदा होता है। इसके अलावा बवासीर में अगर बात करें तो अतिबला की बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो लें। इस पानी को 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से तथा अतिबला के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या फिर अतिबला की जड़ के 20 से 30 मिली काढ़े का सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। अब बात करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के मूत्र रोगों की। अगर बात करें तो 10 से 20 मिली अतिबला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाले सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को मोटा फूटकर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 मिली की मात्रा में लें। इसके साथ ही अतिबला के पत्तों के काढ़े की वस्ती तथा उत्तर वस्ती देने से मूत्राशय के सूजन ठीक होती है। इनसे मूत्र मार्ग से होने वाले स्त्राव बंद होते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है। बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, 1 से 2 ग्राम अतिबला के पत्तों के चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह में भी लाभ होता है। किडनी स्टोन की अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों, अतिबला पत्तों का तथा जड़ का काढ़ा बना ले। इससे 20 से 30 मिली की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। महामारी में भी अधिक खून में ये लाभदायक होता है। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में चीनी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है।
बात करते हैं किसी को अगर गाव है तो उसके अंदर सुखाने के लिए यानी कि हीलिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अतिबला के पत्ते तथा फूल का लेप अथवा काढ़ा से गाव को धोने से तुरंत गाव भर जाते हैं। किसी को अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी फायदा करता है। 1 से 3 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी में लाभ होता है। किसी को अगर मेनिया की प्रॉब्लम है, उन्माद जिसे कहते हैं, तो अतिबला के 7 पत्तों को पानी में पीस लें, इसका रस निकाल कर चीनी मिला लें। इसका सेवन करने से पित्त के बढ़ने से होने वाले उन्माद या फिर मेनिया का मानसिक रोग से लाभ होता है। अतिबला का काढ़ा फीवर को भी ठीक करता है यानी कि फीवर कम करता है। अतिबला के 10 से 20 मिली काढ़े में 1 ग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर या फिर जड़ को रात भर पानी में भिगो कर उस पानी को 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। जॉन्डिस की अगर समस्या है तो 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या फिर अतिबला की जड़ के 20 से 30 मिली काढ़े का सेवन करने से पीलिया में भी लाभ होता है। शरीर में अगर जलन हो रही है तो अतिबला के पत्तों को घूंट कर रात भर पानी में भिगवा दें, उस पानी को 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से जलन शांत होती है। शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े चूर्ण 2 से 3 ग्राम या फिर रस 5 से 10 मिली में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याद शक्ति भी बढ़ती है। बिच्छू का अगर जहर है तो उसको उतारने में भी अतिबला फायदेमंद है। अतिबला की जड़ को बिच्छू का काटे हुए स्थान पर लगाने से दर्द और सूजन दोनों में फायदा होता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से लेना है अतिबला का। इसका सेवन का तरीका, पत्ते भी बेनिफिट्स कर सकते हैं, जड़ फूल बीज सब फायदा कर सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं अतिबला कहाँ पाया जाता है। दोस्तों अतिबला जो एक भारत के सभी गर्म जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वैसे प्रदेशों में अपने आप पैदा होता है, साथ में इसकी किसी राज्यों में कुछ स्थानों पर इसकी खेती भी की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अतिबला के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, साथ में उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। कुछ कॉमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं ऐसी नवड़ी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।